हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लड़की को गर्म करना चाहते हो और उसके अंदर शहवत की आग लगाना चाहते हो तो लड़की के साथ ये काम लाजमी करो जो आपको आज की वीडियो में बताए जाएंगे। जब मर्द किसी लड़की के साथ हम बिस्तरी करना चाहता है तो ऐसे में मर्द चाहता है कि लड़की भी उसे भरपूर मजा दे। कुछ लड़कियों में शहवत की आग और जिंसी गर्मी ज़्यादा होती है और ज़रा सा रोमेंस करने से ही वो मुकम्मल शहवत में आ जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों में शहवत का एहसास देर से होता है। इस वीडियो में लड़की को शहवत में लाने के कुछ खास और आसान तरीके बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, ये वीडियो खास एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, ब्राय मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना लिया जाए। नंबर एक, अगर आप औरत में शहवत का एहसास पैदा करना चाहते हो तो उस लड़की के करीब जाओ और उसके हाथों को छुओ। अगर आप चाहते हो कि लड़की में जिंसी ख्वाहिश पैदा हो जाए तो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मस लो और उसके पस्तानों को भी हाथ लगाओ और दबाओ। ऐसा करने से लड़की बहुत जल्द हसास हो जाती है और जल्दी गर्म भी, और उसे शहवत महसूस होने लगती है और उसकी शर्मगाह गीली हो जाती है। नंबर दो, लड़की को गर्म करने का दूसरा आसान तरीका ये भी है कि उसके होंठों को चूमो। होंठों को चूमने से लड़की मुकम्मल शहवत में आ जाती है, क्योंकि लड़की को ये सब करना बहुत अच्छा लगने लगता है कि मर्द उसके होंठों को चूमे। इससे लड़की ज़्यादा गर्म हो जाती है। याद रखें फ्रेंड्स, लड़की को होंठों को चूमने से ना लड़की की शहवत बढ़ती है और वह हम बिस्तरी के लिए तड़पने लगती है। नंबर तीन, अगर आप लड़की को गर्म करना चाहते हो तो लड़की की शर्मगाह को छुओ। उससे लड़की की शर्मगाह ज़्यादा गर्म हो जाती है और हम बिस्तरी के दौरान मर्द को भरपूर मज़ा देती है, और औरत की शर्मगाह को छूने और चूमने से लड़की बहुत जल्द फारिग भी हो जाती है। याद रखें फ्रेंड्स, लड़की का जिंसी अमल के दौरान फारिग होने का टाइम मर्द से 3 गुना ज़्यादा है। अगर आप भी लड़की को फारिग करना चाहते हो तो इन ट्रिक्स को फॉलो करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी। शुक्रिया।